खबर अंजर से, अवैध शराब निर्माण पर अंजर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला एवं श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी आरडी प्रजापति द्वारा लगातार ही पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब निर्माण परिवहन पर सतत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में उप पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन मंडलोई द्वारा पुलिस थाना अंजर को निर्देशित कर एक विशेष टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा आज सुबह 4 बजे थाना क्षेत्र के ग्राम मोहीपुरा छोटा बड़दा गोलाटा के नर्मदा तट पर दबिस दी, जाकर नर्मदा नदी में अवैध रूप से छुपाए हुए प्लास्टिक के 60 ड्रम जिनमें लगभग 6000 किलो से अधिक कच्चा महुआ लहान छुपाकर रखा गया था उसको नष्ट किया गया। साथ ही अवैध शराब निर्माण सामग्री, भट्टियां, प्लास्टिक की पाइप, शराब बनाने के बर्तन आदि भी नष्ट किए गए। उक्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1,00,000 रुपए से अधिक है। पुलिस थाना अंजर द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहेगी। उप पुलिस अधीक्षक कुंदन मंडलोई, SI सुरेश मुवेल, रविंद्र चौहान, R धन सिंह आदि की सराहनीय योगदान रहा। मैडम, आज कहां से महुआ लहान जब्त किया और क्या कार्रवाई ली? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध रूप से शराब निर्माण के नष्टीकरण को लेकर लगातार ही थाना अंजर को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा रहा था। इसी तारतम्य में उप पुलिस अधीक्षक श्री कुंदन मंडलोई सर के मार्गदर्शन में पुलिस थाना अंजर की टीम के द्वारा ग्राम गोलाटा, छोटा बड़दा और मोहीपुरा के नर्मदा तट पर दबिश दी गई। इस दबिश में नर्मदा नदी के अंदर छुपाए हुए अवैध प्लास्टिक के ड्रम निकाले गए। इन ड्रमों की संख्या 60 से अधिक है और इनमें भरा हुआ महुआ लहान नष्ट किया गया, साथ में भट्टियां भी नष्ट की गई। इसमें कोई मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं? आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है कि किन आरोपियों के द्वारा इस तरह नर्मदा नदी में छुपाकर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। आगामी दिनों में जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो प्रशासन की ओर से और कोई नई गाइडलाइन जारी हुई है? पुलिस थाना अंजर के द्वारा पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार ही कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी। खबर भारत वर्ष के लिए अंजर बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।